ठीक। अच्छा मयूरेश, एक बार जरा आप व्यू दीजिए मुझे, ये सारे के सारे जो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स हैं, इन पर इनमें आपकी प्रेफर्ड पिक क्या होगी? तो आई थिंक देर विल बी सम एलिमेंट ऑफ रिफॉर्म प्रोसेसेस दैट विल बी डन, और उम्मीदें यही लगाई जा रही है कि शायद जीएसटी के दायरे में ये क्षेत्र आ सकता है। और इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे हिसाब से आई थिंक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इसको ध्यान रखना चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक देव गॉन थ्रू अ पीरियोडिसिटी ऑफ पेन, रियलाइजेशन में थोड़ा आई थिंक एक वॉलेटिलिटी दिखी थी, इनपुट कॉस्ट बढ़ने के कारण ऑल्टरनेट फ्यूल्स वर प्रॉबली गेटिंग यूज्ड, बट टू अ सर्टन एक्सटेंट अगर 6% से 15% तक लेके जानी है पाइप गैस का एक कॉन्ट्रीब्यूशन, तो कहीं ना कहीं आई थिंक सीजीडी प्लेयर्स डेफिनेटली फोकस में रहेंगे। सो दिस इज वन पार्ट ऑफ द सेगमेंट। और जो मिडस्ट्रीम कंपनीज है, आई थिंक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंपनीज हालांकि काफी वॉलेटाइल रहती है इन टर्म्स ऑफ क्रूड प्राइस मूव, मिडस्ट्रीम कंपनीज लाइक गेल एज एन एग्जाम्पल कैन बी अ गुड प्रॉक्सी बेट, क्योंकि जो ये कैपेसिटीज बढ़ा रही है, जो एक्सपेक्टेशन है स्टेबल अर्निंग्स ग्रोथ का, और जो परफेक्ट प्रोडक्ट या सेगमेंटल मिक्स है बिजनेस के हिसाब से अलोंग विद स्टेबल डिविडेंड यील्ड, ये शायद इसके अर्निंग्स को स्टेबल रख सकती है। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा सिलेक्टिव रहना पड़ेगा इस स्पेस पे मिडस्ट्रीम कंपनीज और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स। ओके हिमा।